हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग है वो देखने वाले हैं। इसकी कटिंग हमने पहले के वीडियो में देखी हुई है। पहले हम नेफा बनाने वाले हैं, और जो नेफा है वो सिंपल सलवार जो अपनी होती है वैसा ही है। इस प्रकार से हमने बैक का नेफे का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट देखते हैं। इस प्रकार से हम 1 इंच ऊपर से यहाँ तक सिलाई करते हुए आएंगे, फिर ये गैप छोड़ेंगे और फिर सीधी सिलाई करनी है। अभी ये सिलाई पूरी हो गई है। इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाने वाले हैं। उसी प्रकार से इस साइड से भी लगाने वाले हैं सिलाई। इस प्रकार से दोनों साइड से हमने ये सिलाई कर ली है। अब हम इस प्रकार से 1 इंच फोल्ड करके यहाँ से सिलाई करने वाले हैं, और ये यहाँ से हम जो नाड़ा होता है उसके लिए लूप हो गई है। ये ऊपर की साइड से कपड़े की बॉर्डर आई हुई है फैब्रिक की, इसलिए हमने इस तरह से ये फोल्ड नहीं किया, नहीं तो फोल्ड करके ले लेते। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये अभी नेफे का ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेफे से इस तरह से ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स डालने वाले हैं। फिर ये 3-4 इंच स्टार्टिंग का छोड़ के इस साइड पे हम इसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरह से प्लेट्स डालने वाले हैं, और यहाँ तक पीछे की साइड तक इस तरह। ये जो हमारा नेफा है उससे ये डबल है, तो इतनी हमें प्लेट्स बनानी है। अब हम प्लेट्स कैसे डालते हैं ये देखते हैं। यहाँ तक हम सीधी सिलाई करने वाले हैं। दोनों साइड से इस प्रकार से इतना अंतर छोड़ के फिर प्लेट्स डालनी है। अपोजिट साइड में इस तरह से ये प्लेट्स डाल के पूरी हो गई है। जो पीछे का पार्ट है यहाँ तक हमने ये प्लेट्स डाली हुई है। इस पे हम अब दोबारा एक और सिलाई लगाते हैं। इस प्रकार से ऊपर की जो पहली प्लेट है उसी को पकड़ के हम नीचे से
यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। इस प्रकार से हमने बॉटम में एंड तक प्लेट्स डाली हुई है। इस प्रकार से जो 16 इंच का बॉटम था उसे हमने प्लेट्स डाल के 8.5 इंच का कर दिया है। इस प्रकार से हम सलवार का जो बॉटम है अफगानी सलवार का वो बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने ये 6x8 इंच का इस प्रकार से फैब्रिक लिया हुआ है और उसे इस तरह से फोल्ड करने वाले हैं हम। इस प्रकार से अंदर की साइड से हम ऐसे रख के सिलाई करने वाले हैं। इस तरह से हमने ये सिलाई पूरी कर ली है। तो यहाँ पे इस तरह से हम अंदर की तरफ ये मोड़ के इसे इस तरह से पलटी करेंगे और सिलाई करते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड से भी सिलाई करते हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई करते हैं। अंदर की तरफ से इस तरह से फिटिंग की सिलाई करते हैं। इस प्रकार से हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई कर ली है। इस तरह से हमारी ये अफगान सलवार तैयार हो गई है।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।